हेलो दोस्तों, एनजीओ टो वर्कशॉप में अभी हमारे पास में एक वॉक्सवैगन जेठा गाड़ी है। वो स्पेशली गोधरा से अपॉइंटमेंट लेने के बाद आज हमारे पास आई है। उस गाड़ी के अंदर एसी का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से दोपहर में जब वो गाड़ी चालू करते हैं और एसी ऑन करते हैं तो उसमें कूलिंग थोड़ा भी नहीं आता है, उनको कांच उतारने पड़ते हैं। अभी फाइनली वो गाड़ी हमारे पास आ चुकी है। हम उस गाड़ी का अभी कॉम्प्रेसर और उसका फ़ैन बंद है, हमने चेक करा है। वो गाड़ी को चेक करने के बाद अभी उसका कॉम्प्रेसर और फ़ैन असेंबली खोलने वाले हैं, खोल के उस गाड़ी को रेडी करेंगे और प्रॉपरली कूलिंग देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वडोदरा एनजीओ टो वर्कशॉप में। अभी हमारे पास में ये वॉक्सवैगन जेठा गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर लॉक ये चाबी से काम नहीं कर रहा है। ये हम चाबी लगा रहे हैं लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये फेल हो जाता है, ये चाबी आगे स्टेप नहीं बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी हम लॉक का सेट खोलने वाले हैं। अब लॉक का सेट खोलने के लिए हमको स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा। स्टीयरिंग खोलने के लिए हमको एयरबैग बाहर निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ से हमको लॉक सेट करना है, ऐसा डाउन करके यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, ये लॉक सेट करना है। फिर हमारे को एक यहाँ पे लॉक सेट करना है। अभी हम लॉक सेट करते हैं इसका। ये लॉक सटक गया और अभी हमारा ये एयरबैग पूरा बाहर आ गया है। अब हम इस एयरबैग को छुटा कर रहे हैं। कनेक्टर डिसमिस लाओ, कनेक्टर डिसमिस। अभी हमको ये बोल्ट रिमूव करके इसके बाद स्टीयरिंग बाहर निकालेंगे, इसके बाद लॉक का ये गच्छा हम बाहर निकालेंगे। ओके, ये लॉक असेंबली अभी हमने ओपन किया हुआ है। अभी लॉक असेंबली ओपन करने के बाद में हम इसको ये लॉक को छटकाएंगे और इसको हम रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। अभी हम इसका आगे का काम करने के बाद में वापस हम इसको रिफिटिंग करेंगे और प्रॉपरली चाबी से वर्किंग करता करेंगे हम इस लॉक को। हेलो दोस्तों, अभी ये वॉक्सवैगन जेठा गाड़ी का जो लॉक पूरा बिगड़ चुका था ये हमने अभी रिपेयरिंग करवा दिया है। ये प्रॉपरली अभी वर्क कर रहा है। देखिए ये क्या है, लॉक अनलॉक होना बंद हो गया था, इसमें हमने मैकेनिज्म में से खोल के इसको रिपेयर करवाया है। अब हम इसको वापस फिट करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अभी हम इसको लॉक असेंबली को फिट कर रहे हैं। Thank you.
दोस्तों, अभी हमने ये वॉक्सवैगन जेठा गाड़ी का कंप्रेसर, फैन असेंबली और रेडिएटर और इसके साथ में एसी का फिल्टर भी हमने अरेंज किया हुआ है। अब हम इस गाड़ी के अंदर ये सारा सिस्टम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। इसके बाद हम वैक्यूम करके एसी का गैस चार्ज करेंगे। ओके, तो अभी हमारा ये जेठा गाड़ी का चाबी का काम पूरा हो चुका है। लॉक को रिपेयर करके वापस इंस्टॉलेशन कर दिया है और ये रही इसकी चाबी। अभी हम चाबी आगे लगाते हैं। ये हमने चाबी लगाई और इग्निशन आगे दिया। इग्निशन यहाँ ऑन हो चुका है। स्टार्टिंग पोजीशन पे भी गाड़ी आ गई है, यहाँ पे इग्निशन ऑन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा चाबी का काम पूरा हो चुका है। अभी वॉक्सवैगन जेठा गाड़ी का काम रेडी हो चुका है। इस गाड़ी के अंदर हमने अभी कंप्रेसर, फैन असेंबली और इसका रेडिएटर और एसी का फिल्टर इतना सामान डाला हुआ है और साथ साथ में कूलेंट भी डाला हुआ है। और गाड़ी का कूलिंग टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया है और कूलिंग बहुत अच्छे से कर रही है गाड़ी। पहले गाड़ी में कूलिंग दोपहर में नहीं आती थी, भाई साहब बहुत परेशान थे। वो हमारी वीडियोस यूट्यूब पर देखते थे,
वो यूट्यूब से वीडियो देख के हमारे को कॉल किया, कॉल करने के बाद अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आए, उनके हाजिरी में हमने पूरा सब काम करके दिया है। सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं हमारी सर्विस के बारे में? भैया का काम बहुत ही बढ़िया है, उनको मैंने जो जो बताया था उन्होंने सारा काम एकदम फिनिशिंग से और एकदम टाइम में मेरे सामने एकदम अप टू डेट करके दिया है। एकदम सेटिस्फाइड हूँ आपकी सर्विस से और एकदम बेहतरीन काम किया है उन्होंने। और साथ साथ में वॉक्सवैगन वेंटो के अंदर चाबी वो हाँ लॉक का इशू था, वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया, वो भी मैंने साथ साथ में वो लॉक का इशू भी प्रॉपर कर दिया, सेम टाइम में आधे ही दिन में दोनों काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, एनजीओ टो वर्कशॉप बड़ोदरा, थैंक यू।